हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समाद। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें अपने रूखे और फ्रिजी बालों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सनी की हेयर पैक के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है हम सभी के लिए, और ख़ास करके दोस्तों उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है जिनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं जब भी विंटर स्टार्ट होती है, या फिर उन्हें 12 महीने इस चीज़ का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि उनको जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज और फ्रिजी दिखाई देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी भी एज ग्रुप के लिए ये कोई इसमें बटा हुआ नहीं है दोस्तों, ये दोनों के लिए सेम वर्क करता है। तो ये जो हेयर पैक है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आप सभी के लिए। अगर आपके जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रूखे हो जाते हैं जब भी आप शैम्पू करते हैं या जब भी कंडीशनर करते हैं, तो आप देखेंगे जो बाल हैं ड्राई होने के बाद से काफ़ी रफ दिखने लगेंगे दोस्तों। तो उस कंडीशन में मैं आपके लिए यही पैक बताने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं। तो जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है आर्निका। आर्निका आप सभी को पता है, होम्योपैथिक में आर्निका की शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, पैक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आर्निका ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि आर्निका जो है दोस्तों हमारे लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। अगर हम चोट लग जाती है या फिर हम कहीं गिर जाते हैं तो भी मैं आर्निका की डाइल्यूशन देती हूँ पेशेंट को पीने के लिए। तो दोस्तों, आर्निका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, पूरे ऑर्गन के लिए एक्चुअली, जो कि ऑलरेडी इसमें एडेड है दोस्तों। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है जैबरोंडी। जैबरोंडी के बारे में मैंने आप सभी को बहुत बार बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है जैबरोंडी के क्या यूज़ होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है एलोवेरा। एलोवेरा आप सभी अच्छे से जानते होंगे, नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है वो, हम अगर स्किन पे लगाते हैं तो नेचुरल क्लींजिंग की तरह काम करता है, और अगर हम हेयर पे अप्लाई करते हैं तो नेचुरल मास्क की तरह यूज़ होता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और यूज़फुल होने वाली है। और भी इसमें बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि इसका बेस है, जिससे ये पैक बन के तैयार हुआ है, जो कि ऑलरेडी सभी पैक में और सभी मास्क में, सभी कंडीशनर में रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पैक में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बेस हैं, लेकिन जो मेन होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट है वो यही हैं, आर्निका, जबरोंडी और एलोवेरा, यही तीन मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, तो आप सभी अच्छे से जानती होंगी कि आप सभी कंडीशनर यूज़ करती हैं, लेकिन जो कंडीशनर होता है दोस्तों आप सभी शैम्पू के बाद इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये जो पैक है आपको नहाने के पहले अपने बालों पे ऐसे सिंपली यहाँ से अप्लाई करना है दोस्तों। आप सभी अच्छे से जानती होंगी, अगर आप लड़का हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखनी है, अपने बालों पे इस तरीके से अप्लाई करना है दोस्तों। और ये दोस्त रख के इसे अप्लाई करने के बाद से आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है। आप इसे स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं, 100% नेचुरल है, किसी भी तरीके की कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा, 10 से 15 मिनट रखिएगा अपने बालों पर, उसके बाद से आप जो नॉर्मली शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे आपको यूज़ करना है, और अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम और इसकी जो MRP है वो है 160 रुपये। अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिलता है दोस्तों तो मैं ऑलरेडी डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। अगर आप हर्बल चीज़ें यूज़ करने की आती हैं मेरे जैसे, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और दोस्तों, मुझे आपसे एक और शिकायत है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप सभी की लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।